सिंधिया ने अपने हाथों से शिवराज के मंत्री को पहनाई चप्पल। 65 दिन से बिना जूते चप्पल के घूम रहे थे शिवराज के मंत्री। मंत्री को चप्पल मिली तो सिंधिया और शिवराज का माना आभार। 2 महीने पहले की बात है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो जूते चप्पल त्याग रहे हैं और वो इन्हें तभी पहनेंगे जब उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। संकल्प सड़क निर्माण को लेकर था, जो मंत्री जी के तमाम प्रयास के बाद भी नहीं बन रही थी। मंत्री जी जब अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे तो क्षेत्रवासियों ने शिकायत की, आपके मंत्री रहने का क्या फायदा, बार बार आते हैं सड़क को लेकर आश्वासन दे जाते हैं लेकिन सड़क बनना तो दूर, उसका काम शुरू होते नहीं दिख रहा है। जोश में आए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी ऐलान कर दिया, अब की आश्वासन नहीं दे रहे हैं, प्रण कर रहे हैं। प्रण ये कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। 65 दिन पहले अपने इस ऐलान के साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क पर ही अपने जूते उतार दिए। उसके बाद वो नंगे पैर ही घूम रहे थे, जहां भी जाते नंगे पैर ही जाते। ऊर्जा मंत्री का प्रण पूरे प्रदेश में सुर्खियां बन गया था। सवाल उठ रहे थे, जब सरकार में मंत्री की ही नहीं सुनी जा रही है तो फिर आम लोगों को क्या सुनी जाएगी। इसलिए आनन फानन में सड़क के टेंडर निकाल दिए गए और जिन 3 सड़कों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने जूते चप्पल त्यागे थे उन 3 पर काम शुरू हो गया। तोमर को सिंधिया खेमे का माना जाता है। 2018 में वो ग्वालियर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। सिंधिया खेमे से उन्हें कमलनाथ की सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। 2020 में जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की तो प्रद्युम्न सिंह तोमर भी कांग्रेस और विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़े, जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया, तोमर उपचुनाव जीते और शिवराज सरकार में मंत्री बन गए। तोमर सिंधिया के करीबी हैं, ऐसे में सिंधिया जब ग्वालियर आए तो तोमर उनसे मिलने पहुंचे। सिंधिया ने तोमर को नंगे पैर देखा तो तुरंत बाजार से नई चप्पल मंगवाई और फिर अपने हाथों से उन्हें चप्पल पहनाई। सिंधिया घराने के लिए व्यक्ति ने पहली बार अपने हाथों से किसी को चप्पल पहनाई है। इस दौरान सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री से कहा कि आपका संकल्प पूरा हुआ है, जिन सड़कों के निर्माण का संकल्प लिया था उसका 90% काम पूरा हो चुका है, बचा हुआ भी जल्दी हो जाएगा। सिंधिया के इतना कहते ही मंत्री तोमर ने चप्पल पहन ली। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि जिन सड़कों के लिए मैंने चप्पल त्यागी थी उनमें से 2 सड़कों काम 90% पूरा हो चुका है। 3री रोड JS रोड थी जहां भी 60% काम हो चुका है। मैं आभार मानता हूं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिनके सहयोग से सड़कें बनी। जब तोमर ने चप्पल त्यागी तो कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि तोमर अपनी ही सरकार में सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं तो चप्पल नहीं पद त्याग देना चाहिए, ऐसा मंत्री पद भी क्या जिसमें काम करने की ही आजादी ना हो। और जब सड़क निर्माण काम पूरा होने के बाद सिंधिया ने अपने हाथों से तोमर को चप्पल पहनाई तो भी कांग्रेस इस पर तंज कसने से नहीं चुकी। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर तंज कसा है। लिखा है कि आप क्यों परेशान हुए महाराज भाई साहब, 10 महीने बाद जनता तैयार थी। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उन्हें महाराज कहते थे, लेकिन जब से वो बीजेपी में गए हैं बीजेपी के नेता महाराज की जगह सिंधिया को भाई साहब कहते हैं, इसलिए कांग्रेसी भी सिंधिया पर तंज कसने के लिए उन्हें महाराज भाई साहब कहने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।